यार AMD की तरफ से काफी भयानक न्यूज निकल के आ रही है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि यार AMD कर क्या रहा है। पहले तो मतलब एकदम मस्त ऐसे सबको खुश कर दिया था और अब लंबे लंबे एकदम झटके देने वाला है आप लोगों को। तो जो लोग AMD के फैन बॉयज थे, जिनको AMD के फ्यूचर वाले CPUs पे अपग्रेड करना था, तो भाई उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, आपका ही फायदा होने वाला है। सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको AMD का PC बिल्ड अभी क्यों नहीं करना चाहिए। अब इसके कुछ ठोस रीजंस है और आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो टेक कम्युनिटी YouTube चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई साहब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियोस डालूं उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। अगर आप AMD का PC बिल्ड करने का सोच रहे थे ना, तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले AMD की तरफ से एक न्यूज आई थी कि आप अपने A320 और B450 वाले मदरबोर्ड्स में जो Ryzen के लेटेस्ट 4th Gen वाले प्रोसेसर्स आने वाले हैं, उनको सिंपली एक BIOS अपडेट करके यूज कर पाओगे। तो यार ये सुन के AMD के जो फैन बॉयज है, मैं भी उन्हीं में इंक्लूडेड, तो यार हम लोग काफी खुश हो गए थे। वाह भाई वाह, AMD वाह, मतलब क्या कतई जहर तबाही है यार। लेटेस्ट CPU आप A320 वाले मदरबोर्ड और B450 वाले मदरबोर्ड्स में अगर यूज़ कर पाते, तो यार वो लोग जो कि अपग्रेड करना चाहते थे, उनको सिंपली खाली CPU अपग्रेड करना पड़ता, यानी कि मदरबोर्ड अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत से पैसे हम लोग बचा सकते थे। तो यार हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे। बट अभी AMD की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है, उसमें AMD ये कह रहा है कि आप B450, X470, B350, A320 ये सभी मदरबोर्ड्स में आप यूज नहीं कर पाओगे जो AMD के लेटेस्ट CPUs आने वाले हैं, 4000 सीरीज वाले CPUs। तो भाई यार मतलब क्या है ये। पहले AMD यार ये कहता है कि भाई आप यूज कर सकते हो एक BIOS अपडेट से, और अभी ये कह रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते हो। मतलब भाई पहले तो वाह वाही AMD ले रहा था सभी से, मतलब इंटेल ने तो डायरेक्टली कह दिया था कि आप नहीं यूज कर पाओगे, बट AMD तो भाई पहले तालियां बजवा लिया अपने लिए और अभी कह रहा है कि भाई आप नहीं यूज कर सकते हो। तो भाई यार काफी शॉकिंग न्यूज है ये, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी PC बिल्ड मत करो, क्योंकि अगर आप अभी PC बिल्ड करोगे तो यार X570 के मदरबोर्ड्स काफी महंगे आते हैं, और अगर आप एक बजट PC बिल्ड करने वाले हो तो भाई आपके लिए X570 का मदरबोर्ड एफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल बात है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि जो B550 के मदरबोर्ड्स आने वाले हैं, वो अभी तो लॉन्च नहीं हुए, जब लॉन्च होंगे यानी कि जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि AMD के जो लेटेस्ट CPUs है Ryzen 3 3100 एंड 3300X वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं अदर कंट्रीज में, और इंडिया में भी जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। तो वो CPU के आने के बाद आपको Asus की तरफ से एक A520 का मदरबोर्ड देखने मिल सकता है, जो कि काफ़ी सस्ता मदरबोर्ड होने वाला है, A320 का सक्सेसर आप इसको कह सकते हो, और ये चीप प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करवाएगा। तो आप वेट कर लो अगर आप वेट कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप मत बिल्ड करो AMD का PC बिल्ड, थोड़ा सा वेट करो। जब A520 के मदरबोर्ड्स आ जाएंगे, उसके साथ आप Ryzen 3 3300X ले सकते हो भाई, जो कि काफ़ी बेहतरीन CPU है, उसको आप 4.6 GHz तक ओवरक्लॉक कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा सा कूलर होगा। कितनी अच्छी वैल्यू ऑफर करेगा वो, तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और B550 के मदरबोर्ड्स भी आने वाले हैं AMD की तरफ से, तो उनमें आप Ryzen के 4000 वाले CPUs यूज़ कर पाओगे। तो मैं मानता हूं कि अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि अभी PC बिल्ड करना बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि अगर आप अभी PC बिल्ड कर भी लेते हो ना, तो आप कौन सा मदरबोर्ड लोगे, A320, B450, ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो X470 लोगे, बट ये तीनों जो मदरबोर्ड है ना, ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। हालांकि मैं खुद यार एक B450 का मदरबोर्ड यूज़ कर रहा था, ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं खुद यार काफ़ी शॉक्ड हूँ कि यार AMD ऐसा क्यों कर रहा है। अभी यार भाई AMD ने कह दिया तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए अभी अगर आप PC बिल्ड करते हो, अगर आप अभी ये सब मदरबोर्ड परचेस करते हो, तो ये सब मदरबोर्ड फ्यूचर में आपके लिए अपग्रेडेबिलिटी पाथ नहीं क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए आप अभी PC बिल्ड मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो। और ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये वाली न्यूज़ आपको देनी थी, और बहुत सारे जन हैं जो कि सोच रहे थे कि भाई लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा भाई मैं PC बिल्ड कर लूँगा। कुछ लोग तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में है, वो लोग PC पार्ट ऑर्डर करना शुरू भी कर दिए हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर रुक सकते हो तो प्लीज़ रुक जाओ, AMD के लेटेस्ट CPUs और लेटेस्ट मदरबोर्ड्स लॉन्च हो जाने दो, उसके बाद आपको काफ़ी बढ़िया CPUs और मदरबोर्ड्स देखने मिलेंगे काफ़ी चीप प्राइजेस में। तो अभी आप मत बिल्ड करो, और अभी वैसे भी आप देख रहे हो CPU और GPU की जो प्राइजेस है भाई, वो आसमान छू रही हैं। तो हालांकि CPU GPU की प्राइजेस तो बढ़ने वाली ही है, बट अगर आपको परचेस करना है
तो थोड़ा सा वेट कर लो, और थोड़ा सा वेट करोगे तो भाई सब्र का फल आपको मीठा मिलेगा, एकदम मस्त मीठा मीठा मिलेगा AMD की तरफ से। तो थोड़ा सा वेट करोगे तो आपका ही फायदा है, बाकी देख लेना। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप PC बिल्ड कर सकते हो, मैं तो आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं हूँ आके। तो आप लोगों के क्या ओपिनियंस है इस वीडियो के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 1000 लाइक्स तो यार आप लोग आराम से पूरा करवा दोगे। तो मैं विवेक, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।